नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार लोक सेवा बीपीएससी का मेंस का पीवीएससी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। और इस किताब से हम पढ़ने जा रहे हैं जीएस का पेपर वन, ठीक है। और ये आपका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाचक्र से होगा, करंट अफेयर से क्वेश्चन होगा, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 होगा। जीएसटी क्या है, भारत में इसके परिचय के पीछे क्या प्रमुख कारण थे, भारत की अर्थव्यवस्था एवं मौद्रिक नीति पर इसके कार्यान्वयन से क्या लाभ एवं नुकसान हुए, इस बारे में पढ़ते हैं। आज हमारा क्वेश्चन 14 होगा। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, जो कि आपका 60वां से लेकर 65वां बीपीएससी 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन ही, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है 62 से 60 से 65वां बीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो जीएसटी क्या है, भारत में इसके परिचय के पीछे क्या प्रमुख कारण थे, और भारत की अर्थव्यवस्था एवं मौद्रिक नीति पर इसके कार्यान्वयन से क्या लाभ हुए नुकसान हुए, तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 60वां से 65वां बीपीएससी 2018 में पूछा गया था। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो गुड्स एवं सर्विस टैक्सेस, वस्तु एवं सेवा कर का संक्षिप्त रूप है। अप्रत्यक्ष कर से तात्पर्य है ऐसे कर से जो विवर्तित किए जा सकते हैं अर्थात दूसरे पर टाले जा सकते हैं। इसमें केंद्र, राज्य तथा स्थानीय स्तर के लगभग सभी कर समाहित कर दिए जाते हैं तथा पूरे देश में एक समान स्तर पर लागू किया जाता है। और जीएसटी एक बहुस्तरीय मूल्यवर्धित तथा गंतव्य आधारित कर है। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर का संक्षिप्त रूप है। अप्रत्यक्ष कर से तात्पर्य ऐसे कर से जो विवर्तित किए जा सकते हैं अर्थात दूसरे पर टाले जा सकते हैं। इसमें केंद्र, राज्य तथा स्थानीय स्तर के लगभग सभी कर समाहित कर दिए जाते हैं तथा पूरे देश में एक समान स्तर पर लागू किया जाता है। जीएसटी एक बहुस्तरीय मूल्यवर्धित तथा गंतव्य आधारित कर है। भारत जो है, भारत जीएसटी लागू करने वाला, तो भारत जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का 166वां देश बन गया। और जीएसटी सर्वप्रथम 1954 में फ्रांस पे लागू किया गया था। भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा मॉडल पर आधारित है और 122वें संविधान संशोधन विधेयक तथा 101वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मान्यता दी गई थी तथा संविधान में अनुच्छेद 246 से अनुच्छेद 268 ए अनुच्छेद 279 ए जोड़ा गया है, ठीक है। तो भारत जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का 166वां देश बन गया और जीएसटी सर्वप्रथम 1954 में फ्रांस पर लागू किया गया था। और भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा मॉडल पर आधारित है और 122वें संविधान संशोधन विधेयक तथा 101वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मान्यता दी गई थी तथा संविधान में अनुच्छेद 246 से अनुच्छेद 268 ए अनुच्छेद 289 ए जोड़ा गया, आर्टिकल 279। तो आर्टिकल 279 के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है और इसके द्वारा भारत में अप्रत्यक्ष कर तथा 23 अधिभार को समाप्त कर दिया गया है। शराब, पेट्रोलियम, विद्युत जैसी वस्तुओं को राज्य की एक बड़ी आय का स्रोत होने के कारण फिलहाल जीएसटी से बाहर रखा गया। और सामाजिक हित में शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं को भी फिलहाल जीएसटी से बाहर रखा गया है। भारत में जीएसटी लाने का मुख्य उद्देश्य तो राज्यों तथा केंद्र द्वारा अलग अलग कर वसूलने के कारण कर लगा था जिसे कास्केडिंग इफेक्ट कहा जाता है। और जीएसटी लागू होने से यह समस्या समाप्त हो गई है। वस्तु एवं सेवा कर अलग अलग होने के कारण कई बार इस पर दोनों वसूला जाता था और जीएसटी लागू होने से दोहरी कर वसूली समाप्त हो गई है। विभिन्न राज्यों में वस्तुओं पर लगने वाली कर की दर अलग थी और जीएसटी लागू होने के बाद पूरे देश में समान कर की दर लागू हो गई है। भारत में छोटे बड़े अनेक कर थे जिन्हें हटाकर केवल एक टैक्स व्यवस्था कर दी गई। अब जीएसटी लागू होने से भारत एक राष्ट्र एक कर एक बाजार में तब्दील हो गया, ठीक है। जीएसटी आज़ादी के बाद सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि भविष्य में जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आमूलचूल सुधार साबित होगा। परंतु अल्पावधि में गौर करें तो मामला चिंताजनक बना हुआ है और जिससे कई कारण हैं। यदि इसके प्रावधानों पर गौर करें तो पाते हैं कि वर्तमान जीएसटी कराधान संरचना बहुत जटिल है और जीएसटी प्रणाली में 6 दरें 0%, 5%, 12%, 18% और 28% और 28% प्लस सीएस है प्रभावी रूप से लागू है।
दरों की भिन्नता कर संरचना, तो दरों की भिन्नता कर संरचना को तो जटिल बना रही है, साथ ही अलग अलग आर्थिक व व्यवसायिक गतिविधियों पर अलग अलग असर भी डाल रही है। दूसरी समस्या जीएसटी के प्रगतिशील कर प्रणाली के विरुद्ध जुड़ी होने से है। वस्तु और सेवाओं पर वस्तु और सेवाओं पर गरीब व अमीर को समान जीएसटी देने हैं, जिसे एक प्रगतिशील कर प्रणाली का लक्ष्य तो बिल्कुल नहीं जो है कहा जा सकता है, ठीक है। तीसरी बड़ी समस्या पेट्रोलियम और अल्कोहल को जीएसटी से बाहर रखना है। यह स्थिति जीएसटी प्रणाली की अपूर्णता को खुले तौर पर प्रदर्शित करती है। गौरतलब है कि कच्चे क्रूड ऑयल के सापेक्ष केंद्र व राज्य सरकार इसका लाभ उपभोक्ताओं तक ही नहीं पहुंचा रही है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तो भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र का आकार बहुत बड़ा है और यह क्षेत्र करीब 80 से 85% रोजगार प्रदान करता है, और जीएसटी लागू होने के बाद से यह क्षेत्र व्यापक रूप से प्रभावित हुआ है। मांग घट गई, उत्पादन सुस्त हुआ है और नेटवर्क की समस्या बनी हुई है। कुछ वस्तुओं में मुद्रास्फीति की स्थिति भी बनी हुई है। जीएसटी लागू होने के बाद कुछ सकारात्मक स्थिति भी देखने को मिली है, जो धीरे धीरे जीएसटी के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाने लगे हैं। इनमें सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में लगभग 50% की वृद्धि हुई है तथा अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि हुई है। विनिर्माण क्षेत्र ने पुनः गति पकड़ ली है और पंजीकृत छोटे फर्मों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। दीर्घावधिक लाभ में वित्तीय समावेशन में जीएसटी के कारण पड़ने वाले प्रभाव शामिल होंगे। यह रुझान बना रहा तो परिवहन लागत, ईंधन प्रयोग एवं भ्रष्टाचार में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। केंद्र व राज्यों के मध्य आर्थिक संघवाद में वृद्धि हुई है और राज्यों व केंद्र के बीच सूचना प्रवाह में वृद्धि हुई है। जीएसटी व्यवस्था लागू होने में आपूर्ति श्रृंखला तथा लॉजिस्टिक क्षेत्र पहले से कहीं ज़्यादा दक्ष हुआ है, और राज्यों द्वारा लगाए गए चेक पोस्ट डाले गए, जिससे यात्रा समय में काफ़ी कमी हुई है और भारत वैश्विक स्तर पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। देश में अंतर्राज्यीय व्यापार का तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। नई कराधान व्यवस्था आरंभ होने का सरकार की राजस्व स्थिति पर भी प्रभाव पड़ा। इससे सरकार को करीब 35 से 36 हज़ार करोड़ की अनुमानित हानि होने होगी, जो कि 11 माह की कर प्राप्तियों के कारण होगी, न कि जीएसटी के कम वसूली से। जीएसटी से अप्रत्यक्ष करों की प्राप्तियां में वृद्धि हुई है। जीएसटी के समग्र प्रभाव पर दृष्टि डाले तो एक बात स्पष्ट है कि अल्पकालिक अवधि में तो इन प्रयासों ने अर्थव्यवस्था को कोई लाभ नहीं पहुंचाया, बल्कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती लाने में बड़ी भूमिका अदा की है। परंतु जीएसटी का दीर्घकालिक असर देश के जीडीपी के वृद्धि, व्यापार सुगमता और उद्योग में वृद्धि तथा सरकार के मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों पर पड़ेगा। साथ ही इससे ईमानदार कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने इसके साथ ही जीएसटी की दरों में राहत का संकेत देते हुए कहा कि जैसे जैसे कर संग्रह बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे स्लैब्स को संगत बनाने और दरों को तर्कसंगत बनाने की क्षमता बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से कर व्यवस्था सक्षम होने पर चोरी की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। जीएसटी लागू होने के 1 वर्ष पूरे होने के पर इसके कार्यान्वयन के काफ़ी सुधार आ चुका है। IMF तथा विश्व बैंक ने भी इस बात के संकेत दिए कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी तथा भारत में कर व्यवस्था में सुधार होने की है तो जैसे निवेश पर भी असर होगा। इस क्वेश्चन को आपको का इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है तो वो आपका है जीएसटी की परिभाषा एवं इतिहास। जीएसटी लागू करने के कारण, जीएसटी लागू करने के उद्देश्य, जीएसटी के नकारात्मक पक्ष एवं सकारात्मक पक्ष, और जीएसटी के दीर्घकालिक प्रभाव क्या है, ठीक है। कल हमारा क्वेश्चन नंबर 15 होगा, ठीक है। तो आज की बस, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।